नमस्ते दोस्तों, मैं अश्विनी कुमार सरकार और आप देख रहे हैं टेक्निकल रास्ता। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पांच ऐसे लेवलियर माइक्रोफोन जो काफ़ी अच्छा साउंड रिकॉर्ड करते हैं। उनमें से एक है आपका रोड कंपनी का स्मार्ट लैब प्लस, और दूसरा है आपका श्योर कंपनी का श्योर MBL, और तीसरा है आपका सोनी कंपनी का सोनी ECM CS3, और चौथा है आपका मोनो कंपनी का AU400, और पांचवा है आपका जूरेस कंपनी का जो है आपका JRM50। चलिए सबसे पहले सभी माइक्रोफोन का स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं, इनमें से कौन सा माइक्रोफोन का स्पेसिफिकेशन सबसे अच्छा है। अगर आपको एक माइक्रोफोन का स्पेसिफिकेशन देखना है तो उसमें से आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा फ्रीक्वेंसी कितने में काम कर रहा है, दूसरा बात है आपका सेंसिटिविटी कितने में है, इम्पीडेंस कितना है उसका, और नॉइस सिग्नल कितना है, उसका बाद इक्विवेलेंट नॉइस कितना है। ये पांच अगर मैं देख लेता हूँ तो जनरली हम लोग को पता चल जाता है कि कौन सा माइक्रोफोन अच्छा है कौन सा खराब है। तो फिर भी स्पेसिफिकेशन देख के कोई ये डिसाइड नहीं कर सकता है कि ये माइक्रोफोन अच्छे से काम करेगा या तो नहीं करेगा, क्योंकि हर कंपनी का स्पेसिफिकेशन थोड़ा ऊपर और नीचे होता है। किसी का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का इम्पीडेंस ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, किसी का नॉइस सिग्नल ज़्यादा होता है, किसी का थोड़ा सा कम या तो थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं रोड स्मार्ट लैब प्लस से। रोड स्मार्ट लैब का जो फ्रीक्वेंसी है वो आपका 20 फ्रीक्वेंसी से लेके 20 किलो हर्ट्स फ्रीक्वेंसी तक ये रन करता है, और इसका सेंसिटिविटी जो है वो आपका -35 dB है, और इम्पीडेंस जो है वो आपका 3K ohms लिखा हुआ है, मतलब आपका 3000 ohms है, जो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे शो कर रहा है। तो यहाँ पे नॉइज सिग्नल देखिए 67 dB दिखा रहा है, और इक्विवेलेंट नॉइज जो है वो आपका दिखा रहा है 27 dB। तो ऐसे ही आप अगर श्योर MBL का देखते हैं तो वो आपका फ्रीक्वेंसी जो है वो आपका 40 से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक ये रन करता है, और सेंसिटिविटी जो है वो आपका -44 dB है, और इम्पीडेंस जो है वो 350 ohms है यहाँ पे। यहाँ पे देखिए काफ़ी ज़्यादा ohms दिया हुआ है, 3000 ohms दिया हुआ है यहाँ पे। और नॉइज सिग्नल देखिए, ये आपका श्योर MBL का नॉइज सिग्नल, रोड स्मार्ट लैब का नॉइज सिग्नल थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है 67, और यहाँ पे 65, और इक्विवेलेंट नॉइज मतलब टोटल नॉइज जो है वो आपका 27 dB दिखा रहा है, यहाँ पे 29 dB दिखा रहा है। तो ये दोनों माइक्रोफोन जो है रोड स्मार्ट लैब प्लस और श्योर MBL, ये दोनों माइक जो है वो सिमिलर स्पेसिफिकेशन में है। और उसका बाद आ जाइए आप सोनी ECM CS3, ये आपका जो फ्रीक्वेंसी काम कर रहा है ये आपका 50 से लेके 15 किलो हर्ट्ज तक करता है, मतलब जनरली ये जो फ्रीक्वेंसी दिया गया है सोनी में, नॉर्मल जो भी माइक्रोफोन मिलता है उसमें भी सेम ऐसा ही 50 हर्ट्ज से लेके 15 किलो हर्ट्ज तक 18 किलो हर्ट्ज तक काम करता है जनरली। सेंसिटिविटी यहाँ पे लिखा हुआ है -38 dB, और सोनी ने इम्पीडेंस नॉइज सिग्नल और इक्विवेलेंट नॉइज सिग्नल के बारे में कुछ भी नहीं दिया है, इसीलिए यहाँ पे ब्लैंक देख रखा हूँ मैं। अभी चलिए वेट वगैरह भी देख लेते हैं। जो पोलर पैटर्न है ये ओमनी डायरेक्शनल जो रोड का, और वायर लेंथ जो है रोड में आपको मिलता है 1.21 meter, मतलब 1 meter से थोड़ा सा ज़्यादा मिलता है। और वेट देखिए इसका काफ़ी कम है, 8 gram है। जैक टाइप जो दिया है वो आपका 4-pole TRRS गोल्ड प्लेटेड दिया गया है। इसमें आपको TRS के लिए और एक अडेप्टर खरीदना पड़ेगा जो अलग से मिलता है, जिसे आप SC3 के नाम से भी आप खरीद सकते हैं। ये रोड ऑयलेस गो का TRRS से TRS में कन्वर्ट करता है। जिसमें भी आपका 4-pole TRRS है उसमें आपको TRS कन्वर्टर चाहिए। लेकिन सोनी का देखिए, सोनी का ये तीनों स्पेसिफिकेशन दिया ही नहीं है, मेंशन नहीं किया है, और पोलर पैटर्न जो दिया है वो स्टीरियो है, मतलब इसमें आपको दो स्पीकर मिलता है जो पैरेलली कनेक्टेड है। और इसका भी जो वायर लेंथ है वो आपका 1 meter है, और वेट सोनी का थोड़ा सा ज़्यादा है, ये आपका 12 gram शो कर रहा है। और इसमें आपको लेकिन TRS फॉर्म में दिया है, ये आप कैमरे में डायरेक्टली लगा सकते हैं, लेकिन आप अगर मोबाइल में लगाएंगे तो आपको और एक कन्वर्टर चाहिए जो TRS से TRRS में कन्वर्ट करता है, जैसे ये वाला। इसमें इस तरह आप सोनी का घुसाइए और इसमें आपको मिल जाएंगे TRRS। तो ये भी आपको अलग से खरीदना पड़ेगा अगर सोनी का खरीदते हैं, लेकिन DSLR में अगर यूज़ करते हैं तो इसके लिए डायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हैं। और मोनो में देखिए, मोनो का जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज से लेके 18 किलो हर्ट्ज, और आपका जो सेंसिटिविटी है वो आपका 30 dB है एट 1 kHz में ये मेजर किया गया है, सभी 1 kHz में मेजर किया गया है। और आपका इम्पीडेंस जो है 1000 ohms और लेस, 1000 ohms दिया हुआ है, शायद उससे कम भी हो सकता है। और नॉइज सिग्नल जो है ये लिखा हुआ है 74 dB। तो नॉइज कैंसिलेशन ये दोनों में काफ़ी अच्छा है, जो रोड स्मार्ट लैब प्लस है और श्योर MBL में काफ़ी अच्छा है नॉइज कैंसिलेशन। रोड स्मार्ट लैब प्लस में दिया हुआ है 67 dB,
और श्योर MBL में दिया हुआ है 65 dB, और मोनो में दिया हुआ है 74 dB, और जूरेस में जो JRM50 मॉडल है उसमें दिया गया 74 dB। मतलब मोनो कंपनी का AU400 और जूरेस का JRM50 ये दोनों सेम स्पेसिफिकेशन में है। तो ये दोनों माइक्रोफोन जो है वो सेम स्पेसिफिकेशन है और प्राइस इसका काफ़ी कम है, 400 रुपये में लगभग एक माइक मिल जाएंगे आपको। ये जो सोनी ECM CS3 है ये आपको बाहर में $20 में मिल जाएंगे, लेकिन इंडिया में आपको 4800 समथिंग में मिल जाएंगे। और ये आपका श्योर MBL जो माइक्रोफोन है 5000 समथिंग में मिल जाएंगे, और रोड कंपनी का जो स्मार्ट लैब प्लस है ये भी आपको 5000 में मिल जाएंगे। चलिए स्पेसिफिकेशन बता दिया, अभी एक एक करके खोल के दिखाता हूँ। ये आप एंड्रॉयड और iOS में डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, फोन में आपको कहीं पे भी कोई भी कन्वर्टर यूज करने की जरूरत नहीं है। और सभी माइक्रोफोन को मैं लैपटॉप में, एंड्रॉयड में और आपका DSLR में इंडोर और आउटडोर साउंड टेस्ट करके भी आपको दिखाऊंगा, और तभी आपको पता चलेगा कि कौन सा माइक कितना अच्छा है। मैंने ये पे जितने भी माइक है सभी चूज करके लाया हूँ, ये सब माइक जनरली काफ़ी अच्छा साउंड रिकॉर्ड करता है। तो ये स्मार्ट लैब मैनुअल दिया गया है यहाँ पे, इस QR कोड को आप स्कैन करके मतलब एप्पल का जो एप्स है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसमें एंड्रॉयड का कोई ऐप नहीं दिया गया है। और यहाँ पे जो QR कोड दिया गया है इसको स्कैन करके आप इस माइक्रोफोन को रजिस्टर कर सकते हैं और 1 ईयर वारंटी आप पा सकते हैं। और यहाँ पे दिखाया गया है माइक्रोफोन का कैसे का जो विंडशील्ड है कैसे आप इंसर्ट करेंगे, और इसका जो आपका क्लिप है और कॉलर क्लिप को आप कैसे लगाएंगे। इसका कॉलर क्लिप थोड़ा सा क्रिटिकल है लगाने में, तो सावधानी से लगाना पड़ेगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये रोड की तरफ से एक पाउच दिया गया है, ये पाउच जो है फ्लक्स लेदर का बनाया गया है, साथ में एक और एक पाउच दिया गया है जिसमें आपको रोड ऑयलेस का जो क्लिप है वो दिया गया है, और साथ में एक स्ट्रिप भी दिया गया है जिससे आप इसको बांध के रख सकते हैं, और एक जेल है। केबल जो है ये 1 मीटर का है, और केबल काफ़ी पतला है और फ्लेक्सिबल है। इसमें आपका जो माइक है, ये जो माइक है काफी छोटा सा माइक है, और यहाँ पे आपका गोल्ड प्लेटेड जैक दिया गया है जिसमें आपका TRRS है, इसको आप कन्वर्ट करके लगाना पड़ेगा। कन्वर्टर भी आप खरीदने को मिल जाता है रोड की तरफ से, यह कन्वर्टर आपको 1000 रुपीज में मिल जाएंगे अमेजोन में, इसको आप ऐसा करके लगा के यूज कर सकते हैं। तो ये है आपका विंडशील्ड, माइक्रोफोन का विंडशील्ड, इसको आप यहाँ पे लगा लीजिए ऐसे करके। चलिए इसका जो क्लिप है वो लगाना मैं दिखा देता हूँ। आप इसको पहले खोल दीजिए जो विंडशील्ड है, उसके बाद आप इसको यहाँ पे, तो इस तरह से आप इसको लगा लीजिए। ये देखिए ये जो क्लिप है, इस क्लिप में इस माइक्रोफोन को लगाया, उसके बाद विंडशील्ड लगा दिया है, उसके बाद इसका जो पीछे का केबल है वो मैं इसके अंदर से लेके, इसको आप क्लिप को प्रेस कर लीजिए, उसका अंदर से डाल के आप बाहर से ऐसे करके आप डाल सकते हैं। अभी आपको श्योर MBL वाला जो माइक्रोफोन है उसको खोलते हैं। यहाँ पे एक स्टिकर दिया गया था, बारकोड स्टिकर नेम का ऊपर में दिया गया था, उसको निकाला इसीलिए थोड़ा सा ऐसा लग रहा है। तो चलिए इसको खोल देते हैं। इसमें भी आपको एक फ्लक्स लेदर का पाउच दिया गया है, पाउच के अंदर में इसका माइक्रोफोन दिया गया है। ये आपका माइक्रोफोन, इसमें भी आपका खुला हुआ है, इसको आप खोल दीजिए दोनों तरफ से। इसका भी वायर जो है वो आपका एज इट इज रोड कंपनी का जैसा ही है, एकदम स्लिम और एकदम सॉफ्ट है।
ये आपका माइक्रोफोन, इसका स्टाइल थोड़ा सा अलग दिया गया है, काफ़ी जगह में होल दिया गया है और साथ में एक नेट भी है। और इसमें भी आपका गोल्ड प्लेटेड TRRS दिया गया है, TRRS, और साथ में इसमें भी एक विंडशील्ड दिया गया है और एक क्लिप दिया गया है। इसका जो क्लिप है ये काफ़ी अच्छा दिया गया है, डायरेक्टली आप इसको प्रेस करके लगा सकते हैं। अगर ये क्लिप टूट भी जाए तो ये अलग से मिल जाएंगे आपको, दूसरा कोई भी क्लिप इसमें फिट हो जाएगा, लेकिन इसका अगर क्लिप टूट जाए तो आपको दूसरा क्लिप नहीं लगेंगे, तो ऐसा ही दूसरा क्लिप आपको मंगवा के इसमें लगाना पड़ेगा। इसमें भी जो विंडशील्ड दिया गया है इसके नीचे में भी रबराइज करके दिया गया है। इसका जो वायर का लेंथ है वो 1 मीटर है और साथ में यहाँ पे एक स्पेसिफिकेशन दिया गया है जिसपे रोल अप करके दिया गया है इसमें, और इसमें लिखा गया है आपका श्योर MBL मेड इन ताइवान 2720 इसमें लिखा गया है। तो ये हो गया आपका श्योर कंपनी का माइक्रोफोन, ये हो गया आपका रोड कंपनी का माइक्रोफोन, और ये आपका श्योर MBL का। और चलिए इसका मैनुअल देख लेते हैं। मैनुअल में एक वार्निंग मैनुअल भी दिया गया है, बताया गया है इसमें जो भी मटेरियल यूज किया जाता है वो बॉडी के लिए हार्मफुल है। और श्योर का जो मैनुअल है इसमें भी दिया गया है कैसे आप इसको फिट करेंगे। यहाँ पे आपको ग्राफ भी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी ग्राफ जो है यहाँ पे दिया गया है, 1 साल का आपको लिमिटेड वारंटी मिल जाएंगे। चलिए अभी तीसरा जो माइक्रोफोन है वो दिखाता हूँ। ये आपका सोनी ECM CS3, मैंने खोल के एक बार यूज़ भी किया है इसको, मेरा जो PBS वीडियो है उसमें SJKM के बारे में मैंने एक माइक्रोफोन यूज़ किया था, तो उसमें मैंने ये माइक्रोफोन भी टेस्ट करके दिखाया था, आप चाहे तो PBS वीडियो देख सकते हैं। इसमें देखिए सोनी का यूजर गाइड मैनुअल दिया गया है, लेकिन इसमें आपका सारे डिटेल्स नहीं दिया गया है। ये आपका TRS फॉर्म में है, DSLR में डायरेक्टली लगा सकते हैं, कोई भी कन्वर्टर यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अगर इसे मोबाइल में यूज़ करते हैं तो आपको एक कन्वर्टर का ज़रूरत पड़ सकता है, जो है आपको इस तरह का कन्वर्टर मिलेंगे जो TRRS में है। और साथ में आपको एक वारंटी कार्ड मिलता है जिसमें आपको 1 ईयर का वारंटी मिलता है, US एंड कनाडा वालों को ही मिलेंगे 1 ईयर वारंटी। ये आपका माइक्रोफोन, ये जो माइक्रोफोन है इसको मैं पार्टिकुलरली SJKM का साथ ही यूज़ करूँगा, काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है। ये देखिए यहाँ पे लेफ्ट और राइट के लिए भी इंडिकेशन दिया गया है दोनों तरफ, और इसका जो साइज़ है माइक्रोफोन का थोड़ा सा बड़ा है, और ये आपका गोल्ड प्लेटेड दिया गया है जो पैटर्न है, लेकिन ये TRS में है। इसमें भी आपको 1 मीटर का केबल मिल जाएंगे। इसका जो क्लिप है ये 360 डिग्री मूव होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा मोनो कंपनी का, ये आपको 400 रुपीज़ में मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छा माइक्रोफोन है। अभी आप जो साउंड सुन रहे हैं ये रोड वेयरलेस गो के थ्रू से सुन रहे हैं, लेकिन साथ में मैंने जो लेवलियर माइक्रोफोन लगाया वो मोनो कंपनी का ही लगाया, मैंने 2 मंगवाया था, तो एक मैं यूज़ कर रहा हूँ और एक रिव्यू के लिए मंगवाया हूँ। ये आपका मोनो कंपनी का माइक थोड़ा सा बड़ा है, और ये आपका विंडशील्ड। इसमें आपको जो केबल मिलता है वो आपका 2 मीटर्स का केबल मिलता है, और केबल जो है वो आपका ये जो दोनों केबल है इससे थोड़ा सा मोटा है। ये देखिए मैं आपको कंपेयर करके दिखाता हूँ, केबल लेकिन सॉफ्ट है लेकिन थोड़ा सा थिकनेस इसका ज़्यादा है। ये आपका श्योर MBL का केबल है, ये आपका श्योर का है, ये आपका मोनो कंपनी का है। इसका साथ आपको मैनुअल मिल जाएंगे, हैप्पी है कि नहीं, उसका बाद कैसे कनेक्शन करना है, और इसका साथ आपको कन्वर्टर मिल जाता है साथ में। बाकी ये दोनों का साथ TRS कन्वर्टर नहीं दिया है, अलग से खरीदना पड़ता है। आप एक ही कन्वर्टर खरीदने से इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें आपको कन्वर्टर का जरूरत नहीं है। इसके अब मैं आपको मोबाइल में लगाते हैं तो TRS से लेकर TRRS कन्वर्टर चाहिए, इसमें आपको कन्वर्टर साथ में मिलता है,
ये कन्वर्टर इसमें लगा हुआ है, देखिए और पासवर्ड नंबर है आपका जूरेस का, जो JRM50 है मॉडल, और इसका है AU400। जो जूरेस कंपनी का जो केबल है वो इससे भी ज़्यादा मोटा है, और ये फ्लेक्सिबल भी इतना नहीं है, ये इतना फ्लेक्सिबल नहीं है। इसका साथ भी आपको एक गोल्ड प्लेटेड TRS कन्वर्टर मिल जाता है, और इसका जो माइक्रोफोन है वो भी बराबर इसी का साइज में है, लेकिन ये माइक्रोफोन थोड़ा सा छोटा लग रहा है इसमें से। और इसका जो ये क्लिप है ये मूव करता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। अगर कभी भी इसका जो क्लिप टूट जाता है या तो इसका क्लिप टूट जाता है तो इस क्लिप को यूज़ कर पाऊँगा वहाँ पे। चलिए सभी माइक्रोफोन खोल के आपको दिखा दिया, अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा सभी माइक्रोफोन का साउंड टेस्ट। एंड्रॉयड मोबाइल के साथ, उसके बाद लैपटॉप के साथ, और उसके बाद DSLR के साथ। इंडोर में भी दिखाऊंगा, आउटडोर में भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे जितने भी माइक्रोफोन है सभी अच्छे हैं। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और जिसने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।